दोस्तों, अगर आपके पास में भी आयुष्मान कार्ड है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर जो है एक न्यूज़ आ रही है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। बराबर में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अगर आप गूगल पर जाकर के ये सर्च करोगे कि 10 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड, इस तरह से सर्च करोगे तो आपके सामने ये पूरी नीचे एक हेडलाइन आ जाएंगी और काफ़ी आर्टिकल भी आएंगे, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है जो 1 फरवरी से जो यहाँ पर बजट जो पेश होता है, जो बजट के बारे में गवर्नमेंट बात करती है, तो उसमें आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी बात होगी। अब इसमें जो गुड न्यूज़ है वो ये है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज गवर्नमेंट की तरफ से हम यहां पर करा सकते थे, तो अब इसको यहां पर बढ़ाया जा रहा है, इसकी लिमिट को इनक्रीज़ किया जाएगा। अब ये तो बजट आने के बाद में ही पता चलेगा कि होगा या फिर नहीं, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है, इस पर जो है गवर्नमेंट बात कर रही है। अब ये जो है आपको 10 लाख तक का मुफ्त इलाज यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि 5 लाख का मिलता था, अब उसको इंक्रीज करके, उसको बढ़ा करके अब 10 लाख हो जाएगा। अब वो होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले जो है टाइम में पता चलेगा, जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन गूगल पर जाकर के अगर आप सर्च करोगे 10 लाख रुपए वाले आयुष्मान कार्ड के बारे में, तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें आपको ये पूरी न्यूज़ मिलेगी, आप जाकर के पढ़ भी सकते हो, तो वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहां पर ये अपडेट है आयुष्मान कार्ड वालों के लिए, काफ़ी अच्छी अपडेट है। अब आप जो इलाज कराओगे तो वो 10 लाख तक इलाज करा पाओगे, लेकिन ये अभी जो है यहाँ पर लागू नहीं है, अभी जो है इस पर बात चल रही है, इस पर अभी चर्चा है। जो 1 फरवरी को यहाँ पर जो बजट में जो बजट पेश होगा उसमें इस चीज़ की चर्चा, इसकी बात हो सकती है। अब जैसे ही अपडेट आती है इस पर, जब इसमें गवर्नमेंट एक फैसला पूरा सुना देगी, तो हम भी जो है वीडियो बना करके आपको बता देंगे। अच्छा, इस चीज़ पर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी, तो उसमें जो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे वो कह रहे थे कि भाई जब इस पर ये अपडेट आ जाएगा, जब यहाँ पर ये हो जाएगा, तो हमारा जो आयुष्मान कार्ड है उस पर जो हमारे पास में उसमें तो 5 लाख लिखा हुआ है, तो अब ये हमारा आयुष्मान कार्ड 10 लाख में कन्वर्ट कैसे होगा। तो जब आप न्यू डाउनलोड करवाओगे, यानी कि आपको क्या करना होगा, जैसे ही इस पर अपडेट आती है, ये 10 लाख हो जाती है, लिमिट जो है इसकी बढ़ जाती है, तो आपको न्यू आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना होगा। अब जैसे ही आप न्यू डाउनलोड करोगे तो उस पर 5 लाख की जगह 10 लाख लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, तो वहीं के वहीं वो ऑटोमेटिकली ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इस साइट पर जितने भी आयुष्मान कार्ड है उनमें अपग्रेड हो जाएगा, और वहां पर 5 लाख की जगह 10 लाख लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको बस एक न्यू वाला जो आपको आयुष्मान कार्ड है उसको डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद में 5 लाख की जगह वहां पर 10 लाख आ जाएगा। बस इस तरह से आपके 5 लाख की जगह 10 लाख आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं करना होगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।